हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शेयर मार्केट न्यूज। तो अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली न्यूज चाहिए तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल के मुकाबले आज मार्केट थोड़ी उठी है। आज निफ्टी 14,617 पे है और सेंसेक्स 48,832 पे है। तो कल के मुकाबले मार्केट थोड़ी आज उठी है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोरोना टाइम में क्या ऐसा है कि मार्केट उठती भी है और गिरती भी है। तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आज ट्रेडिंग कैसे जाने वाली है, लेकिन जहाँ तक है आगे लॉकडाउन लगने वाला है तो मार्केट और गिरने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया पेनी स्टॉक जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। मैं आपके लिए फार्मा सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि वैक्सीन चलने वाली है, तो इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। और ऊपर से पेनी स्टॉक है तो आप इसे अभी से बाय कर लो ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है आने वाले टाइम में। जो ये स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीद रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको उतना प्रॉफिट नहीं देने वाली। वैसे मैंने डेली एनालाइज किया है इस स्टॉक के बारे में तो इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 5.65% है जो उसने लास्ट 3 ईयर्स में दिया है। तो मेरे ख्याल से ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। बाकी स्टॉक का नाम है जेनेथ हेल्थ केयर लिमिटेड। मार्केट कैपिटल इसकी 34.8 करोड़ है। करंट प्राइस इसका 6.48 चल रहा है, मतलब 6 रुपये का ये स्टॉक है। तो आप समझ सकते हो 6 रुपये का ये स्टॉक है और अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। तो आप इसे अभी से बुक कर लो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये है, 1.30। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती, 0% है। मैंने आपको बताया था पेनी स्टॉक है तो डिविडेंड हम अब इससे नहीं बोल सकते, उम्मीद नहीं कर सकते इससे डिविडेंड की। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। बाकी कंपनी तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक को बाय करते हो तो ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है फ्यूचर में। और बाकी अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो उसके स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से एनालाइज करो, उसे रिसर्च करो, उसके बाद ही बाय करो। और अगर आप तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं पहले स्टॉक इसलिए लाता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। किसी बड़े स्टॉक में इतना रिटर्न नहीं मिल पाता, लेकिन जो पेनी स्टॉक होता है इसमें रिटर्न इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि हम इसे शुरू में, कंपनी छोटी होती है लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से बाद में इसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मार्जिन बहुत हाई हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए दिल से मेरा धन्यवाद।